अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको छोले भटूरों की रेसिपी बताती हूँ। भटूरों की आप इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। ये हमने 4 कप मैदा लिया है और 1.5 कप सूजी ली है। ये देखिए इस कप से मैंने नाप के लिया है, आपके पास जो कप है आप उस हिसाब से रखते हो। और ग्राम के हिसाब से देखा जाए तो 500 ग्राम मैदा है और 150 ग्राम सूजी है, और आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको चाहिए। ये देखिए हमने 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर लिया है, अब इसे डाल के इसको अच्छे से मिक्स करें इन सब चीजों को। ये देखिए ये हमने छाछ लिया है, लगभग 400 ग्राम के करीब छाछ है, और इसके अंदर हमने 1 चम्मच चीनी और 1/2 चम्मच नमक मिलाकर फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, मतलब घुल जाए चीनी और नमक, इसे हम अपना आटा गूंदेंगे। ये देखिए हम इस तरीके से आटा गूंदेंगे। अगर हमारा छाछ कम हो जाएगा तो हम दोबारा से और छाछ ले लेंगे इसके अंदर। आपको ज़्यादा मतलब जैसे 1 किलो के भटूरे बनाने हो, 2 किलो के भटूरे बनाने हो, तो आप उसी हिसाब से इसके सामान को बढ़ा दीजिए। इस तरीके से ऐसे गूंदते रहेंगे खूब अच्छे से, मतलब हमें अपने छाछ से ये आटा गूंदना है। अगर ये कप में खत्म हो जाएगा तो हम दोबारा से और ले लेंगे छाछ, पर हमें सिर्फ छाछ से ही आटा गूंदना है। अब ये थोड़ा गूंद जाने के बाद ना हम इसमें थोड़ा 1 चम्मच के करीब तेल डाल देंगे। तेल डालने के बाद इस तरीके से हाथों से इस तरीके से दोबारा से हम गूंदेंगे। इसमें हमने सूजी डाली है तो इसलिए हम इसका जो डो है ना बिल्कुल थोड़ा सा मतलब लूज ही रखेंगे, बिल्कुल गीला गीला सा ही रखेंगे, क्योंकि इसको जो हम 8-9 घंटे रखेंगे, इस वक्त सर्दी का टाइम है तो हमें मतलब लगभग 12-13 घंटे हमें तेल लगा के, और अगर गर्मी फिर दोबारा से थोड़ा सा 4-5 घंटे में भी अच्छे से करेंगे, फिर उसके बाद दोबारा से हम हल्का सा तेल लगाकर हमने अपने छोले भी भिगो दिए थे 12-13 घंटे के लिए सुबह ही। और ये देखिए अब मैं मसाले बताती हूँ जो हमें छोले 1/2 चम्मच अजवाइन है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, 4-5 लौंग है, काली मिर्च है 3-4, हरी मिर्च है, 2 तेज पत्ता है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये प्याज का 3 प्याज का पेस्ट है, और ये 4 टमाटर का पेस्ट है, और ये 2 चम्मच कस्तूरी धनिया पाउडर है, 2 चम्मच सौंठ का पाउडर है, 1 चम्मच 2 चम्मच कस्तूरी मेथी है, 1 चम्मच नमक है, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। ये मसाले चाहिए हमें। ये देखिए तेल गरम हो गया, इसके अंदर हमने वो जो खड़े मसाले थे, मिर्ची थी, तेजपत्ता, उन सबको डाल दिया है। अब उसके बाद हम अपना जो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया 1 चम्मच वो डाल देंगे, फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे 1 मिनट तक। खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर हम अपना जो प्याज का हमारा पेस्ट था वो डाल देंगे इसके अंदर, फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर उसके बाद जो हमारे मसाले थे वो डाल देंगे इसके अंदर सबको एक साथ, और फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे 2 मिनट तक। खूब अच्छे से भूनेंगे इसको मसाले को। उसके बाद जो टमाटर का पेस्ट है वो डाल देंगे, डालने के बाद फिर उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे 1-2 चम्मच के करीब, उसके बाद फिर अपने मसालों को हम ढक के धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे हमारे मसाले अच्छे से भुन जाए, और जब तेल छोड़ दे तो हम इसके अंदर छोले डालेंगे। हमने 1 कप पानी लिया था, उसमें 2 चम्मच चायपत्ती डालकर उसे अच्छे से उबाल लिया था, फिर उसके पानी को इसके अंदर डाल दिया है, जिससे हमारे छोलों में कलर आ जाता है। ये देखिए अब हम खोल के देखें, हमारा मसाला बिल्कुल भुन गया है, तेल जैसे ऊपर आ जाए तब हम अपने छोलों को भी इसके अंदर डाल देंगे, और डालने के बाद अब हम ऊपर से कोई पानी नहीं डालेंगे, जो हमारा पानी है वही रहेगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसको 10 मिनट तक मीडियम आंच पर रख देंगे ढककर। आपको मेरी एक और छोले की रेसिपी मिल जाएगी मेरे चैनल में, आप उसे भी जरूर देखिएगा। अब इसको ढककर रख देंगे धीमी आंच पर 10 मिनट के लिए। चलिए अब हम अपने भटूरे के बैटर को देखते हैं कैसा है हमारा डो। अब उसको दोबारा से हम थोड़ा सा तेल लगा के फिर दोबारा से उसे गूंदेंगे हम। ये देखें ये मैंने लगभग 13-14 घंटे रख दिया था, और इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें हल्का सा तेल लगाकर हम इसे दोबारा से खूब अच्छे से दबा दबा के मतलब खींच खींच के खूब अच्छे से गूंद लेंगे। उसके बाद रख देंगे तेल लगाकर 10 मिनट तक लगभग। ये देखिए हमारे छोले बनकर बिल्कुल तैयार हैं, आप जरूर बनाइएगा इस तरीके से भी। चलिए अब भटूरे बनाते हैं।
ये देखिए इस तरीके से हम आटे की लोई बनाएंगे। लोई बनाने के बाद इसमें आटे का जो बर्तन है, हमने मैदा ही लिया है, अब उसको लगाएंगे अच्छे से, फिर इसको बेलेंगे हम। मतलब हम रोटी बनाते हैं ना, उस तरीके से इसको बेलेंगे और थोड़ा सा मोटा बेलेंगे, फिर मोटा बेलेंगे, फिर उसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम बेलेंगे, तेल को खूब अच्छे से हम गरम करेंगे, खूब अच्छे से तेल गरम हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हम उठा के इसको इस तरीके से डाल देंगे, और इस तरीके से चम्मच की मदद से हम इसको इस तरीके से दबा दबा के करेंगे तो ये फूल जाएगा हमारे भटूरे। ये देखिए इस तरीके से फूल रहे हैं, और तेल हमारा खूब गर्म ही रहे, गैस को तेज ही रखेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से पलट पलट के, जब एक तरफ से हल्का सा हो जाए तो दूसरी तरफ से पलट दे। ये देखिए हमारा भटूरा कैसे फूल गया है, आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से बनाकर, बहुत अच्छे बने थे भटूरे। और आप थोड़ा मोटा ही बेलिएगा भटूरों को, इसको आप आसानी से घर में इस तरीके से बेल के बना सकते हैं, बहुत इजी तरीके से, बिल्कुल बाजार जैसे बनेंगे। अब ये देखिए हम इसी तरीके से सारे भटूरों को फ्राई कर लेंगे, इस तरीके से अच्छे से फूल जाएंगे आप इस तरीके से करेंगे तो। अब ये देखिए इस तरीके से मैं अपने सारे भटूरों को ऐसे बेल बेल के ऐसे फ्राई करूंगी, तो आप उसी समय मतलब फ्राई करें और जो खाने वाला है उसको फ्राई करके दे भटूरों को बनाकर, तो उस तरीके से फूले फूले रहेंगे। ये देखिए आप जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से छोले भटूरों की रेसिपी बनाकर, भटूरों की। उसमें मैंने छोले दूसरे तरीके से बताए हैं, एक रेसिपी और आपको मिलेगी मेरे छोले की। अगर आपको मेरी रेसिपी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और बेल आइकन को जरूर दबा दिया करें। थैंक यू।